चिल्ड्रन, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है घमंडी हाथी और चींटी। बहुत घमंडी हाथी था, वह हर रोज बाग में घूमने जाता था और बाग में कोई भी जानवर मिलता था तो उसे बहुत परेशान करता था। एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। हाथी ने कहा, ये तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे झुककर सलाम करिए। तोते ने कहा, मैं तुमसे सलाम करूंगा? ना, मैं तुमसे कभी सलाम नहीं करूंगा, तुम तो बहुत घमंडी हाथी हो। हाथी ने कहा, अच्छा ये बात है, तो अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। हाथी ने उसका पेड़ उजाड़ दिया, उखाड़ दिया और पेड़ को फेंक दिया और तोता उड़ गया। थोड़ी देर में हाथी एक नदी के पास गया और वहां पे बेचारी चींटियां अपना घर बना रही थी और घर बनाते समय वो अपने आने वाले टाइम के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। एक चींटी अपने लिए लड्डू ले जा रही थी, तभी हाथी ने चींटियों से कहा, तुम क्या कर रही हो? चींटी ने कहा, हम अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि अभी बरसात का टाइम आने वाला है ना, इसीलिए। हाथी ने जोर जोर से चींटियों के ऊपर हंसा और हाथी ने अपनी सूंड में नदी में से पानी भरकर और उनका घर बिगाड़ दिया और उनके लड्डू को भी खराब कर दिया। चींटियों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और चींटी ने कहा, हाथी मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी। चींटी ने क्या कहा? हाथी मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी। तभी सभी चींटियों ने मिलकर सोचा कि हमें हाथी से जरूर बदला लेना चाहिए क्योंकि ये हाथी सभी को बहुत परेशान करता है। उसके बाद सभी चींटियां हाथी के ऊपर चढ़ गईं और हाथी को जोर जोर से काटने लगी। कई चींटियां तो उनकी सूंड में घुस गईं हाथी के, और कई चींटी उसके कान में घुस गईं और हाथी तो बहुत परेशान हो गया। हाथी ने कहा, अरे कौन हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम यहाँ से निकलो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत खुजली हो रही है, निकलो। लेकिन चींटियों ने को तो उनसे बदला लेना था ना, चींटियों ने और उनको परेशान किया और हाथी को परेशान करने लगी चींटियां। चींटी से बार बार वो प्रार्थना करने लगा, अरे निकलो, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, निकलो, मेरी सूट में कौन घुसा है। बेचारी तब चींटियां निकली और हाथी से कहने लगी, तुम हमें परेशान कर रहे थे ना, इसीलिए हमने तुमसे बदला लिया है, अब तुम कभी किसी को परेशान तो नहीं करोगे? हाथी ने उनसे माफी मांगी और हाथी ने कहा, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ करो। चींटियों ने उसको माफ कर दिया और हाथी चला गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।